मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अध्याय 3 के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था सम युगम जी। तो देखिए क्या आता है जाता है सम युगम जी के बारे में, कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युगम विकल्पी होते हैं वो एक समान हो, युगम विकल्पी क्या हो एक समान हो तो वो क्या कहलाते हैं, संयुगम जी कहलाते हैं। तो क्या होता है जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के युगम विकल्पी एक समान हो उन्हें समयुगम जी कहते हैं, समयुगम जी कहते हैं। जैसे मान लीजिए शुद्ध लंबा पादप हो, शुद्ध लंबा पादप तो इस जीव के तो युगम विकल्पी होंगे दोनों, उनको इस प्रकार दर्शाए जाते हैं। तो दोनों एक समान है यानी कैपिटल टी। इसी प्रकार शुद्ध लंबा पादप हो सकता है, शुद्ध मोना पादप स्मॉल टी। ठीक है ना। तो यदि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युगम विकल्पी एक समान हो, जैसे ये हो चाहे ये हो, एक समान हो तो वो क्या कहलाते हैं, समयुगम जी कहलाते हैं। और इसी के स्थान पर क्या जाता है, विषमयुगम जी। देखिए उसकी भी भाषा की सेम ही बनती है, कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के युगम विकल्पी असमान हो या पृथक पृथक हो, उसे क्या कहेंगे, विषम युगम जी कहते हैं। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जिनके युगम विकल्पी असमान हो या क्या हो अलग अलग हो तो वो क्या कहलाते हैं, विषम युगम जी कहलाते हैं। जैसे शुद्ध अशुद्ध लंबा पादक, अशुद्ध लंबा पादक इसमें एक कैपिटल टी होता है और एक स्मॉल टी होता है। तो दोनों युगम विकल्पी क्या है, असमान है या नहीं, तो ये क्या कहलाते हैं, विषम युगम जी कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखो लक्षण प्रूफ, लक्षण प्रूफ तो देखिए लक्षण प्रूफ किसे कहते हैं, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रूफ कहते हैं।
ऋषि सचिव के भय प्रकृति को, ये भय जो रूप होता है किसी सजीव के भय प्रकृति को, भय प्रकृति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। कि जैसे पादप देखने पर आप बता सकते हो कि यह लंबा है या मोना है, भय रूप देखने पर जो आपको लक्षण दिखाई देता है वो कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कई बार कोई बच्चा शैतानी करता है तो कहा जाता है ना गधे की गुण है क्या, तो भय रूप भय व्यक्ति देखने पर जो आपको प्रतीति दिखाई देती है या लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। इसी प्रकार जीन प्रारूप जीन में क्या होता है, देखिए किसी सजीव की आनुवंशिक रचना के आधार पर, किसी सजीव की आनुवंशिक रचना तो क्या होता है, किसी सजीव की जो आनुवंशिक रचना को क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। तो देख सकते हो आनुवंशिक रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। या बाह्य रूप देख कर नहीं बता सकते जीन प्रारूप क्या होता है किसी सजीव से संबंधित, तो उसकी आनुवंशिक जो रचना होती है उसको क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। और बाह्य प्रकृति को क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। अब इसके बाद लेते हैं F1PD, F1PD तो जनकों के संतरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1PD कहते हैं। जनक जो होते हैं या माता पिता जो होते हैं उनके संतान से प्राप्त जो प्रथम पीढ़ी होती है वो क्या कहलाती है, F1 पीढ़ी कहलाती है। इसी प्रकार F2 पीढ़ी F2 पीढ़ी F1 पीढ़ी से प्राप्त F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी में जो आपके पास पादप प्राप्त होते हैं उनके मध्य यदि संतरण करवाया जाता है तो वो दूसरी पीढ़ी क्या कहलाती है, F2 पीढ़ी कहलाती है, ठीक है ना। तो F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को क्या कहते हैं, F2 पीढ़ी कहते हैं। एक कई बार इसमें जनक पीढ़ी पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, जनक पीढ़ी। तो जनक पीढ़ी किसे कहते हैं कि संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जनक पीढ़ी कहते हैं। या जिससे संतान प्राप्त की जाती है वो क्या कहलाती है, जनक पीढ़ी कहलाती है, ठीक है ना। तो क्या बताया जाता है,
जनक पीढ़ी के बारे में देखिए, लिख देते हैं जनक पीढ़ी। तो क्या लिखेंगे, संतति प्राप्त करने के लिए, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है, जनक पीढ़ी कहलाती है। कि संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है वो क्या कहलाती है, जनक पीढ़ी कहलाती है। अब इसके बाद में देखते हैं प्रभावी लक्षण। देखिए प्रभावी लक्षण, यदि पूछ लिया जाए प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, क्या बताया जाता है कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं, कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में जो लक्षण अभिव्यक्त होते हैं, अर्थात दिखाई देते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं या अभिव्यक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। इसी प्रकार प्रभावी लक्षण इसका विपरीत हो जाएगा, प्रभावी लक्षण। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है या वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है वो क्या कहलाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है शायद, प्रभावी लक्षण कि जो लक्षण दिखाई देते हैं F1 पीढ़ी में वो तो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं और जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं एक संकर संकरण। ये
एक संपर्क संपर्क तो वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशा गति का अध्ययन किया जाता है, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशा गति का अध्ययन किया जाता है एक संकर संकरण कहलाता है। तो देखिए क्या परिभाषा लिखी है, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है एक संकर संकरण कहलाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। तो है संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है एक संकर संकरण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सब पौधों की लंबाई पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, चाहे पौधा लंबा हो चाहे बोना हो, सिर्फ एक लक्षण पर सिर्फ लंबाई पर अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। इसी प्रकार देखिए द्वि संकर संकरण, द्वि का अर्थ क्या होता है, दो। तो वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशा गति का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, द्वि संकर संकरण कहलाता है। तो देखिए अपना टॉपिक क्या है, द्वि संकर संकरण क्या कहा जाता है, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है द्वि संकर संकरण कहलाता है, द्वि संकर संकरण कहलाता है। वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, द्वि संकर संकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए पादप पर हम संकरण कर रहे हैं तो लंबाई ले लीजिए और उसका रंग ले लीजिए, तो दो लक्षण हो गए या नहीं हो गए, लंबाई और रंग, ठीक है। या कई बार ये कहते हैं आकृति और रंग भी लिया जा सकता है। जैसे आप द्वि संकरण नियम भी पढ़ोगे, ठीक है ना, मेंडल के वंशागति संबंध कुछ नियम दिए गए थे, तो एक संकरण पर होगा एक द्वि संकरण पर। इसी प्रकार देखिए त्रि संकर संकरण होगा, क्या होगा, त्रि संकर संकरण उसमें क्या कहा जाता है, वह संकरण जिसमें दो के स्थान पर त्रिकर्ण क्या होता है, तीन तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है त्रि संकर संकरण कहलाता है। कि वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है त्रि संकर संकरण कहलाता है। इसी प्रकार आएगा बहुसंकरण, बहु संकर संकरण, बहु संकर संकरण कि वह संकरण जिसमें अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहता है, अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है बहु संकर संकरण कहलाता है। अगला देखो परीक्षण संकरण, देखिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं एक बार पूछी जाती है, ध्यान से समझ लीजिए, साथ साथ में इसीलिए लिख रहा हूँ
कि आपको समझ में आ जाए, साथ साथ में बोल रहा हूँ, साथ में लिख भी रहा हूँ, ठीक है ना। अगला अपना टॉपिक परीक्षण संकरण टेस्ट कोर्स। तो इसमें क्या बताया जाता है, पहले आराम से इसके बारे में सुनिए कि वह है संकरण जिसमें F1PD का संकरण है, अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है कि अप्रभावी लक्षण प्रारूप तो बोनापन था वो F1PD में दिखाई नहीं देता। आगे आप टॉपिक पढ़ो उसमें देखना। तो क्या बताया जाता है, वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण है, F1PD का संकरण है, अप्रभावी लक्षण वाले प्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ किया जाता है, जनक के साथ किया जाता है टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहलाता है। वह संकरण जिसमें F1PD का जो संकरण है वो अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ किया जाता है परीक्षण संकरण कहलाता है। इसी प्रकार देखिए संकर पूर्व संकरण, संकर पूर्व संकरण तो इसमें तो देखिए क्या कंडीशन लगाई गई है परीक्षण संकरण में कि F1PD का संकरण अप्रभावी वाले लक्षण के साथ ही किया जाता है, अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ। और जो अगला अपना टॉपिक है संकर पूर्व संकरण में, संकर पूर्वज या पश्चय संकरण, दूसरा नाम क्या इसका, पश्चय संकरण। तो इसमें क्या होगा कि वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण, ठीक है ना, कोई भी दोनों जनक जो है F1PD में जो दोनों जनक थे उनमें से किसी एक के साथ किया जाता है वो क्या कहलाता है, संकर पूर्वज या पश्चय संकरण कहलाता है। तो सिर्फ आपको क्या लिखना है यहाँ पर कि अप्रभावी लक्षण वाले स्थान पर क्या लिखना है, दोनों जनक देखिए आप लिख देता हूँ मैं, वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है, किसी एक के साथ किया जाता है संकर पूर्वज संकरण कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। तो इसमें तो क्या था, वह संकरण जिस F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ किया जा रहा था। कि परीक्षण संकरण में तो फिक्स होता है कि अप्रभावी वाले लक्षण के साथ किया जा सकता है, और इसमें दोनों जनक में से चाहे प्रभावी लक्षण वाला हो चाहे अप्रभावी लक्षण वाला हो किसी के साथ भी संकरण कर दिया जाता है F1PD का तो वो क्या कहलाता है, संकर पूर्व संकरण कहलाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर था।
एक और परिभाषा देखिए, व्युत्क्रम संकरण, फिर और नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो व्युत्क्रम में क्या आता है कि वह संकरण जिसमें नर व मादा, कि पादप के नर व मादा आपस में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, कि एक संकरण में तो नर का जो कार्य कर रहा था वो अगले संकरण में किसका कार्य करे, मादा का, ठीक है ना, और जो मादा कार्य कर रहा था वो किसका कार्य करे, नर का, तो वो क्या कहलाता है, व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। कि वह संकरण जिसमें नर व मादा आपस में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हो, ठीक है ना। तो नॉर्मल सा था आज के लिए, इतना काफी है। ओके, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हो आप, ठीक है। इन परिभाषाओं को ध्यान से देखना, साथ साथ लिख भी लेना। ओके, गुड बाय।